Hey guys, welcome back to my YouTube channel. हम लोगों ने अभी-अभी नया चैनल स्टार्ट किया था, just with the motive of helping certain amount of students with statistics, accounts, economics को subjects के साथ में. हमारा last video जो था, वो index number के लिए था, accounting terms के लिए था, जो शायद आप लोगों ने बड़ा पसंद किया है, आपको बड़ा मजा आया होगा. आज मैं उसी particular topic को आगे extend कर रहा हूँ, आज मैं उसी topic को आगे लेके जा रहा हूँ, और मैं आज statistics का आपको second part explain करने वाला हूँ, second chapter explain करने वाला हूँ. And that would be linear correlation, right? बहुत simple chapter है, formula based chapter है, easily score कर सकते हैं आप लोग marks. चलिए, सबसे पहले हमारा काम होगा ये जानना कि भैया what is this linear correlation? ये linear correlation होता क्या है? देखिए नाम खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है. Correlation, correlation means there is certain amount of relation which we have to identify by preparing a equation. एक equation के through हम एक particular relation को identify करते हैं. किसका रिलेशन भैया? दो वेरिएबल का रिलेशन, राइट? ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन होगा. तो जब कभी भी दो वेरिएबल के बीच के रिलेशंस को हम निकालते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, तो जिस फॉर्मूले से, जिस मेथड से उसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट मेथड वुड बी टर्म्ड एज लीनियर कोरिलेशन. उस मेथड को कहा जाएगा लीनियर कोरिलेशन. सो आपके डेफिनेशन क्या हो जाती है लीनियर कोरिलेशन की? इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. सिंपल सी बात एकदम, भाई दो वेरिएबल के बीच के रिलेशंस को कहा जाता है लीनियर कोरिलेशन. याद रहेगा? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, फोकस करते रहना यहाँ पे. लीनियर कोरिलेशन दो तरह के होते हैं. पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट. आपको यहां पे दिखता रहेगा, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट. फोकस करना सब लोग स्क्रीन पे. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट. चलिए मीनिंग समझेंगे. डायरेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? जब कभी भी दो वेरिएबल एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है, उन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल price and demand, right? For example, expenditures and savings, they have direct relation. जैसे कि देखो, अगर किसी particular commodity की price change होगी, तो उसके demand change होगी. Therefore, price is cause and demand is result. तो जब भी cause और effect, cause और result का relation बनेगा, उसे कहा जाता है direct relationship, right? जहां पे दोनों के दोनों variables एक दूसरे से connected है, तो उन्हें कहा जाएगा direct. Vice versa. What is this indirect? Sir, indirect मतलब दोनों किसी तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड है. दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, बट किसी तीसरे वेरिएबल के होने से इन दोनों में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ राइस, यूजेस ऑफ गमबूट्स डजंट मैटर, यूजेस ऑफ लेदर शूज डजंट मैटर, राइट? इनका कोई कनेक्शन नहीं है. बट अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का डिपेंडेंस है रेनफॉल पे, बारिश पे, जब कभी भी अच्छी बारिश आएगी राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा और लेदर शूज का कंजप्शन कम होगा. There is a relation, right? So इधर हो गया तीसरा वेरिएबल. तो जब कभी भी दो पर्टिकुलर वेरिएबल किसी तीसरे के कारण चेंज हो रहे हैं, तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. अब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. Now the next one is what are the different types of correlations? What are the methods of different type finding different types of correlation? Methods basically तीन होते हैं. ध्यान देते रहना. There are basically three methods of finding correlation, right? First one is Carrot diagram method. Second one is Carl Pearson's method, जिसे product moment method भी कहा जाता है. And the last one is Spearman's rank correlation method. तो ये सब method के नाम उनके बनाने वाले के ऊपर dependent है पूरे के पूरे, right? So पहला हो जाता है Carrot diagram method, दूसरा हो गया Carl Pearson's method, जिसको product moment method भी कहा जाएगा, और तीसरा होता है rank correlation method, जिसको Spearman's rank correlation method कहा जाता है. अब मैं सबसे पहले वाले से start करूंगा, सबसे easy नकम्मा मेथड एकदम. वो मेथड मोस्टली एग्जाम में आता ही नहीं है, आएगा तो सिर्फ तीन मार्क की थ्योरी में पूछा जाएगा. बट एक बार पढ़ लेते हैं, बाय चांस एग्जाम में तीन मार्क की थ्योरी में पूछे तो आप लिखने लायक रहो, राइट? सो द फर्स्ट मेथड इज स्कैटर्ड डायग्राम मेथड. सबसे पहला मेथड होता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड. अब ये मेथड क्या करता है? ये मेथड एक लेमैन भी कर सकता है, अंगूठा छाप आदमी भी इस मेथड को बहुत इजीली कर लेगा, क्योंकि इस मेथड में कोई भी बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है, कोई भी बड़ा स्टैटिकल फॉर्मूला नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है ये. इसमें आपको डायग्राम्स बना के, ग्राफ बना के रिलेशनशिप निकालना है. तो अगर आपको डायग्राम बनाना था बेसिक एक्स वाई, राइट? अगर आपको बेसिक डायग्राम्स बनाने आते हैं, मतलब आप इस मेथड से कोरिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो. बट ये मेथड इतना परफेक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन आंसर देके खत्म कर देता है, राइट? इसलिए इस मेथड को नॉर्मली हायर स्टडीज में यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल लेवल पे इस मेथड को किया जाता है. अब ये मेथड स्कैटर डायग्राम मेथड आपको पांच तरह के रिलेशंस डिफाइन करेगा, फाइव टाइप्स ऑफ रिलेशन. सबसे पहला
परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, राइट, जिसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा हो जाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। फोर्थ वन पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ कोरिलेशन। सबसे लास्ट कौन सा होता है? लैक ऑफ कोरिलेशन। डिटेल में बताऊंगा, पहले नाम वापस से सुन लो। पहला परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, आफ्टर दैट पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, उसके बाद में पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ कोरिलेशन। इनके नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन भी बोलेंगे चलेगा, परफेक्ट नेगेटिव को कुछ बुक सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन बोलेगी चलेगा। सो एक बार नाम देख लेना, शायद कुछ ऑथर्स इसको कुछ अलग नाम से बुला सकते हैं, बट अंदर का कॉन्टेंट वही रहेगा, बाहर के यूनिफॉर्म भले कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए। ओके, मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, स्टार्टिंग विद अ वेरी वेरी फर्स्ट वन, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब कभी भी दो पर्टिकुलर वेरिएबल के बीच में रिलेशंस एकदम सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम, मतलब पहला बड़ा तो दूसरा भी बड़ा, सेम प्रपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक कमोडिटी की प्राइस इतनी है, दूसरे की इतनी है, राइट? अब क्या हो रहा है, अगर ये पर्टिकुलर 10% बढ़ा तो दूसरा वाले भी एग्जैक्टली 10% बढ़ा, वापस से ये 20% बढ़ा तो ये भी एग्जैक्टली 20% बढ़ा, ये 30% बढ़ा तो भैया ये भी एग्जैक्टली 30% बढ़ा। तो इसे कहा जाता है परफेक्ट पॉजिटिव। इस केस में हमारा जो लाइन होगा ना, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आएंगे, तो उसे कहा जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एकदम परफेक्ट पॉजिटिव। पहला जितने परसेंट से बढ़ेगा, दूसरा एग्जैक्टली उतने परसेंट से बढ़ता है, तो उसे कहा जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, सेकेंड वन जो होता है दैट इज परफेक्ट नेगेटिव। सेकेंड वन इज परफेक्ट नेगेटिव। अब ये परफेक्ट नेगेटिव कैसे होगा? सर वापस से दोनों वेरिएबल में रिलेशन एकदम सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है, तो उसे कहा जाता है परफेक्ट नेगेटिव। मतलब इसकी प्राइस अभी फिलहाल एक्स की इतनी है, भैया वाई की इतनी है, समझ लो। अब क्या होने वाला है, अगर एक कमोडिटी की प्राइस 10% गिरी तो भैया दूसरे की डिमांड एग्जैक्टली 10% बढ़ गई, वापस से इसकी प्राइस 20% गिरी तो इसकी डिमांड एग्जैक्टली 20% बढ़ गई है, तो उसे कहा जाता है परफेक्ट नेगेटिव। दोनों सेम प्रपोर्शन में चेंजेस ला रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक बढ़ रहा है तो दूसरा सेम प्रपोर्शन में गिर रहा है, तो उसे कहा जाता है परफेक्ट नेगेटिव। उसका कर्व एग्जैक्टली सेंट होगा नीचे की तरफ, राइट? नेगेटिव कर्व होगा, सारे के सारे पॉइंट इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर ही आने वाले हैं, ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्टली ऑन द कर्व, तो उसे कहा जाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। याद रहेगा, परफेक्ट पॉजिटिव में अपवर्ड कर्व होता है, परफेक्ट नेगेटिव में डाउनवर्ड कर्व होता है। परफेक्ट पॉजिटिव में सारे के सारे पॉइंट अपवर्ड लेवल पे बट उस कर्व पे ही होंगे, और परफेक्ट नेगेटिव में सारे पॉइंट्स डाउनवर्ड लेवल पे बट एग्जैक्टली कर्व पे होते हैं, तो परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव। नेक्स्ट वन पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव मतलब आपका कर्व, आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशन आज भी बढ़ रहे हैं, राइट? एक बड़ा दूसरा भी बड़ा, एक बड़ा दूसरा वापस से बड़ा, राइट? प्रोपोर्शन सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भैया पहले बेसिक तो हमारा ये रहा, अब क्या हो रहा है, ये 10% से बढ़ा, ये 5% से बढ़ रहा है, राइट? वापस से ये 5% से बढ़ा, भैया ये 10% से बढ़ गया, तो आपके कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं लाइन के आसपास होते हैं, कभी लाइन के ऊपर, कभी नीचे, कभी वापस नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे रहेंगे। नो डाउट डायरेक्शन सेम रहेगा, प्रोपोर्शन सेम नहीं रहेगा, खाली एक तरफ जा रहे हैं बट अलग अलग प्रपोर्शन में जा रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है पार्शियल नेगेटिव। ये 10% बढ़ा, 15% बढ़ गया, ये 12% बढ़ा, ये 5% ही बढ़ा, मतलब बढ़ेंगे दोनों, प्रपोर्शन अलग रहेगा, तो उसे कहा जाएगा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट वन पार्शियल नेगेटिव। अगेन आप समझ गए होंगे पार्शियल नेगेटिव क्या होने वाला है, जस्ट सेम एज अबव, कर्व अब की बार गिरेगा, राइट? पॉइंट आसपास रहेंगे इसके, वापस नेगेटिव कर्व के पॉइंट्स आसपास रहेंगे, एग्जैक्टली लाइन पे सारे पॉइंट्स नहीं रहते हैं, मतलब एक बढ़ने से दूसरा गिरेगा सेम प्रपोर्शन में नहीं, तो उसे कहा जाएगा पार्शियल नेगेटिव। उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा पार्शियल नेगेटिव, राइट? ये थे चार बेसिक्स वाले। अब पांचवा ये कहता है, भैया अगर कोई चीज ऐसी हो जिसमें कोई तरह का रिलेशन ही नहीं हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है वेयर देयर इज नो रिलेशन, कोई भी तरह का रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी ऑफ अ पर्सन एंड इट्स ब्रेन्स, राइट? उसका ब्यूटी और उसके आईक्यू लेवल में क्या कोई रिलेशन होगा? ऑफ कोर्स नॉट यार, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? सो ऐसे बहुत सारी चीजें जिनमें कोई रिलेशन नहीं होता,
तो उसे हम एक कर्व में डिफाइन करते हैं, दैट इज लैक ऑफ कोरिलेशन, या फिर उसको आप लोग नो कोरिलेशन भी बोल सकते हो। वो कर्व ऐसा होगा और इसमें पॉइंट्स कहीं पे भी आ सकते हैं, देयर इज नो रिलेशन, कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा, कुछ भी हो सकता है, देन दैट इज नोन एज लैक ऑफ कोरिलेशन। उसे क्या कहा जाएगा? लैक ऑफ कोरिलेशन। याद रहेगा, एग्जाम में ग्राफ बनाओ तो हर चीज डालनी पड़ेगी आपको, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ पे कमोडिटी का नाम, एग्जाम पे आपको टाइटल देना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली इन एग्जाम्स, राइट? सो इस तरह से लैक ऑफ कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन मतलब क्या होता है? ऐसे पर्टिकुलर दो वेरिएबल्स जिनमें किसी भी तरह की कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी तरह का रिलेशन नहीं है, दोनों अपने हिसाब से चलते, एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट क्रिएट करते नहीं है, देन दैट इज नोन एज लैक ऑफ कोरिलेशन। याद रहना चाहिए, मैंने आपको पांच तरह के रिलेशंस बताए, चलिए वापस एक बार ऊपर से देख लो। हमने देखे थे पांच तरह के, पहला होता है परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा होता है परफेक्ट नेगेटिव, तीसरा होता है पार्शियल पॉजिटिव, एंड चौथा होता है पार्शियल नेगेटिव, एंड द लास्ट वन लैक ऑफ कोरिलेशन। सिंपल एग्जाम में खाली आपको 3 मार्क या 4 मार्क के थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, सम्स करने पर टाइम वेस्ट मत करना, बड़े सिंपल रहेंगे, कुछ भी मैजिकल नहीं है इसका, इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। सो यहाँ हमारा पहला मेथड फिनिश हो गया, स्कैटर डायग्राम मेथड इज डन, राइट? एटलीस्ट 30% ऑफ ए चैप्टर इज डन, ओके? अब हमारा सेकेंड जो मेथड है, दैट इज कार्ल पियर्सन्स मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोलते हैं, वो वाला हम अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक कार्ल पियर्सन्स मेथड, राइट? दैट्स इट फॉर द डे।